अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? तो फ्रेंड्स, आज हम आए फिर से एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, तो जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारा कल एक टर्की मर गया। तो जो दूसरा हमारा टर्की है ना, वो भी थोड़ा बीमार है। इसको थोड़ा फेस पे स्वेलिंग आया है, तो और इसके नाक में से भी पानी आ रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा है अभी क्या करने का इसका। तो दोस्तों, दुआ करो कि ये जल्दी से ठीक हो जाए। और हमारा ईगल अभी माशाल्लाह सेट हो रहा है दोस्तों। अभी इसकी डाइट बाकी है, अभी इसको मैं दूंगा खाने को। अभी थोड़ा ये सेट हो गया, अभी पहले ये डरने का, लेकिन अभी माशाल्लाह सेट हो रहा है ये। तो इसको भी अभी हम लोग खाना देंगे, इसका खाने का टाइम हो गया है। और जैसे कि हमारे चिक्स वगैरह घूमते रहते हैं, तो आज भी हम लोग ने उनको छोड़ के रख दिए यहाँ पे। हमारे गिनी फॉल्स भी माशाल्लाह है इधर। आज मैं आप लोगों को एक नई चीज़ दिखाने वाला हूँ दोस्तों। हमारे पास एक फिंचेस की पेड़ है, इंशाल्लाह मैं वो भी आज आपको दिखाऊंगा दोस्तों। तो वीडियो ज़रूर एंड तक देखना दोस्तों, वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएंगी। दोस्तों, हमारे देसी चिक्स है ना, वो माशाल्लाह अभी बड़े हो रहे हैं। ये ग्रे कलर का है ना, ये मेरा बहुत फेवरेट है, एक ही है ये। ये टोटल है ना, इनका ग्रुप टोटल सात सात है ये। इसमें सारे के सारे मुर्गियां हैं और सिर्फ दो मुर्गे हैं, ये एक मुर्गा है। हाँ दोस्तों, वहाँ पे साथ बुला रहा है, मालूम नहीं क्या हुआ है, चलो जाके देखते क्यों बुला रहा है दोस्तों। तो हमारी एक मुर्गी है ना फ्रेंड्स, वो 3-4 दिन से मतलब कहाँ पे अंडे दे रही थी हम लोग को पता नहीं था, तो आज हम लोग को पता चल गया है। ये देखो, यहाँ पे वो चुपके से अंडे दे के जाती है और अभी वो बाहर घूम रही है। तो इंशाल्लाह अभी हम लोग क्या करेंगे इसको है ना, हम लोग मतलब ये अंडे को हाथ नहीं लगाएंगे, वो इंशाल्लाह इधर कुड़क होएंगी ना, तो हम लोग फिर उसको बिठाएंगे। तो अभी ये अंडे हम लोग इधर ही रखते हैं, रात में इसको सेफ करके रखेंगे हम लोग, फिर से कल सुबह में ये अंडे इधर रखेंगे, मतलब उसको पता नहीं चलेगा। तो इंशाल्लाह वो कल यहाँ पे अंडा देंगी फिर से, तो कुड़क होएंगी ना फ्रेंड्स, तो हम लोग उसको फिर अंडे पे बिठाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी ये अंडे हम लोग इधर रखते हैं, थोड़ी देर के बाद मैं इनको उठाऊंगा दोस्तों। तो अभी ईगल का खाना आ गया है, ये देखो मेरे हाथ में यहाँ पे। अभी इसको हम लोग खाने को देते हैं, इसको बहुत भूख लगी है। आज मैं इंशाल्लाह ट्राई करता हूँ इसको, मैं अपने हाथ में ही मतलब थोड़ा पकड़ के खाने को दूंगा दोस्तों। ये देखो कैसे खा रहा है ये। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा सेट हो रहा है फ्रेंड्स। इसकी खाने की स्पीड माशाल्लाह बहुत अच्छी है, फटाक से खा लेता है पूरा। अभी हम लोग इसको ना आहिस्ता आहिस्ता मतलब थोड़ा टेम करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। इसको आहिस्ता आहिस्ता हम लोग हाथ पे भी बिठाने की ट्रेनिंग देंगे। तो अभी ये मैं इधर रख देता हूँ इसको खाने को, ये खाएंगा फिर अपने से बराबर। और दोस्तों, हम लोग के जो चिक्स है ना देसी, मतलब गंजी मुर्गी है ये दोस्तों, ये एक ही है दोस्तों। हम लोग के पास 4-5 थे इसमें, ये बैच में, लेकिन वो मर गए, ये एक ही बच गया है ब्लैक कलर का। और दूसरा जो मुर्गा है ना फ्रेंड्स, वो ये वाला, ये ब्लैक वाला। माशाल्लाह भी ये बहुत बड़े हुए हैं दोस्तों। दोस्तों, तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हमारे पास एक फिंचर्स का पेड़ है, तो दोस्तों मैं अभी वो आप लोगों को दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग ने ये यहाँ पे बड़ा सा केज किए है, मतलब जाली का। नीचे ये स्टील की जाली है दोनों साइड में, और ये मच्छी की है ये वाली जो है ना, इसी ऊपर से पूरा पैक है। तो अभी मैं आपको पहले फिंचर्स की पेड़ है ना वो दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये पूरी जगह है यहाँ पे अंदर। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ पे हमारी फिंचेस की पेड़ है। और दोस्तों, और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी जो फिंचेस की पेड़ है ना,
उसने अंडे भी दिए है। तो दोस्तों मैं अभी आपको इनके अंडे दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो माशाल्लाह कितने 6 अंडे पूरे हमारे फिंचेस ने दिए हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग इनको अकेला छोड़ देते हैं और इसमें से एक यहाँ पे उड़ गया है। तो अभी यहाँ पे ये पैक जगह है ना, तो कुछ ज़्यादा मतलब टेंशन की बात नहीं है। वहाँ पे अटक गया जाली में जाके, हम लोग अभी उसको है ना अंदर छोड़ देते हैं। अभी इनके बच्चे आएंगे फ्रेंड्स, तो इंशाल्लाह वो भी मैं दिखाऊंगा। ये देखो दोस्तों, ये है फीमेल, इसको अंदर छोड़ देते हैं। ये देखो फ्रेंड्स, तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, कभी कभार मतलब इनको है ना यहाँ पे ये जगह में हम लोग यहाँ पे इनको ओपनली यहाँ पे छोड़ देते हैं। मतलब ज़्यादा टाइम तो नहीं, मतलब शाम के टाइम ऐसा ही छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ मतलब उनको हो भी सकता है ना, दिन भर मतलब छोड़ के नहीं रख सकते। तो कभी कभार हम लोग इनको यहाँ पे छोड़ते हैं। तो इंशाल्लाह मैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी शाम का टाइम हो गया है दोस्तों, और अभी इन लोग को बंद करने का टाइम हो गया है। तो अभी इनको हम लोग बंद करने के पहले खाने को देते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर अच्छा, और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आएंगी तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करना दोस्तों, कमेंट भी करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।